This movie is encoded by Dr. Star. घूरना बुरी बात होती है। क्या तुम्हें वो सुनाई दिया? क्या सुनाई दिया?
गाने की आवाज है या शायद पास के किसी क्लब से आ रही होगी। हे सर्गेई, यहां आकर देखो। सर्गेई कम ऑन यार, तुम मुझे डरा रहे हो। बस भी करो। क्या बस करूं, वही जब से हम आए हैं तुम उसके साथ ही लगी पड़ी हो। पता है वो मेरा एडिटर है, वो जब कहता है कूदो तो मैं पूछती हूँ कितना हाय। क्या वो हॉट है? नहीं, वो 48 का है और वजन ज्यादा है, हाइजीन के बारे में जीरो है। अच्छा तो छोड़ो उसे, वैसे भी हम यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हैं। हाँ आए तो हैं, तो यहाँ आने का फायदा भी क्या जब तक हम यहाँ पर इंजॉय और रिलैक्स ना करें। वो चाहता है कि मैं मैगजीन के लिए शहर के बारे में आर्टिकल लिखूं। ओह तो अभी तुम काम कर रही हो? I'm sorry, मुझे पता नहीं था। यार मैंने अभी तक उसे हाँ नहीं कहा है। अच्छा तो फिर अपना फोन अभी नीचे रखो वरना मैं तुम्हें पूल में फेंक दूंगी। ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सच में? ठीक है अब तो खुश हो ना। क्या तुम्हारी एलेक्स से बात हुई? वो आने वाला है? हाँ पहुँचने ही वाला होगा। तो तुम कैसा महसूस कर रही हो? क्या किस बारे में? कम ऑन, मतलब तुमने अपने एक्स से कितने सालों बाद बात की? 7 सालों बाद। ये बात अलग है कि तुम उससे मिलने के लिए यहाँ तक आ गई हो। वो सब कॉलेज की बातें थी और उस समय तो हम लोग बच्चे थे। कम ऑन, मैं तुम्हारे साथ कॉलेज में थी और हम लोग बिल्कुल बच्चे नहीं थे। वैसे हम अभी बस दोस्त हैं, ओके और कुछ नहीं। जो भी तुम कहो लूसी। मैंने सुना है कि दो लड़कियां शहर से समय बिताने के लिए यहाँ पर आई हैं। और एक लंबा हैंडसम सेरेबियन आदमी भी। अरे वाह, तुमने क्या सर्जरी करवाई है? कॉलेज में तो ये ऐसे नहीं थे। एलेक्स तुम पहले की तरह ही हो, है ना? ओह कम ऑन। ओ लूसी, हाय। बहुत समय बाद मिल रहे हैं ना? हाँ। हाँ तो तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? अच्छा ही था, हम दोनों ने वैसे बहुत एंजॉय किया। अच्छा? हमें लगता है हम पार्टी के लिए तैयार हैं। गर्ल्स, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा। हाँ, गर्ल्स ये यस्मीन है, ये मेरी मंगेतर है। ओ हाँ, ये मेरी दोस्त हैं लूसी, लूसी और कैली।
हाय यास्मिन, मिलकर अच्छा लगा। यास्मिन, आई एम सॉरी, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। अरे नहीं, तो हिंदी अच्छा बोल लेती है। थैंक यू। वाओ, मतलब ये तो बहुत ही खूबसूरत है। हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो समय बिताने के लिए। चलो ड्रिंक लेते हैं। आ जाओ। तो लूसी बता रही थी तुमने हमारे लिए खास प्लान बनाया है, तो क्या है वो? वैसे हम कुछ सुंदर जगहें देखेंगे, फिर मैं एक जगह पर लेकर जाऊंगा जो यहाँ से थोड़ी दूर जरूर है, मेरे परिवार की है, बहुत छोटी है पर बढ़िया जगह है, तुम्हें पसंद आएगी। और मुझे यकीन है तुमने हमारे लिए क्यूट लड़के भी बुलाए हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम कॉलेज में ऐसी थी। कौन हो तुम? तुमने मेरी कैली के साथ क्या किया है? वैसे कॉलेज की ज्यादा बातें मुझे याद नहीं है। ठीक है, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे लिए भी कोई ढूंढ देंगे। हे, और मेरे लिए? जरूर। तो चीयर्स गाइस। चीयर्स। नए दोस्त। चीयर्स। और पुराने दोस्तों के नाम। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मुझे पता नहीं था प्लान में ये भी शामिल है। कुछ नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। चलो। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। अच्छी बात है, चलो आ जाओ, चलना भी है। ये रोज है। इसे भी अभी खराब होना था। वाओ, ये बहुत खूबसूरत है। ये बहुत छोटा है, बस कुछ ही घर है और बहुत शांत जगह है। इसकी क्या प्रॉब्लम है? कौन? वो आदमी वहाँ पर? मुझे नहीं पता, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। हो सकता है उसे टूरिस्ट पसंद ना हो। हो सकता है वो तुम्हें अच्छे से जानता हो। मुझे लगता है सभी को पता है कि मैंने क्या किया था और उसका क्रेडिट जाता है। वैसे वो तो एक अच्छा आर्टिकल था। ओ अच्छा। हाँ। जिस दिन वो वापस आई, हमने वो सारी रात बात करते हुए बिताई और हम बाकी सबसे इतने बेखबर हो गए थे कि हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हमारे सारे दोस्त जा चुके हैं। ओह, तुम दोनों बहुत क्यूट लगते हो। मैंने सही कहा ना लूसी? बहुत क्यूट। ओह माय गॉड। आराम से बेबी। मैं ठीक हूँ। तो बताओ मुझे, एलेक्स कैसा था कॉलेज में? तुम्हारा मतलब क्या है? वैसे ये बहुत मशहूर था, मतलब आधा कैंपस इसे प्यार करता था, लड़की और लड़के भी। शायद इसकी आवाज की वजह से, इतना स्ट्रॉन्ग। केली, सच में? नहीं, मैं बस कुछ और नहीं जानना चाहती। मैं बस ये जानना चाहती थी कि मेरा होने वाला पति है कैसा। ओके, इस बात का मतलब क्या हुआ? वो तुमने मुझे कहा था ना कि लूसी और तुम कॉलेज टाइम में बेस्ट फ्रेंड्स थे। मैं देख सकती हूँ कि उससे ज्यादा कुछ था तुम दोनों में। तुम इससे क्या कहोगी केली? मैं सही कह रही हूँ ना? राइट। तो तुम्हें क्या जानना है? केली, कम ऑन। देखो, ये दोनों सिर्फ दोस्त थे और ज्यादा कुछ नहीं, है ना लूसी? बिल्कुल। तुम्हें लगता है तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये बस मेरी दोस्त है।
ठीक है चलो डांस करते हैं, चलो कम ऑन चलो। वैसे ये अच्छा है मुझे लगता है तुम दोनों लाजवाब हो नानी हम सब वेल डांस तो अच्छा था ये बहुत पहले की बात है, एलेक्स को उसे बता देना चाहिए था। मतलब उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। देखो अगर तुम चाहती हो तो हम पुराने होटल में वापस चलते हैं। नहीं मैं ये एलेक्स के साथ नहीं कर सकती। ठीक है मैं एक जवान लड़की हूँ। हाँ हाँ ये बात तो मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे वॉक पर जाना है, चलोगे तुम? मैं तुम्हारे साथ वॉक पर नहीं आ सकती, मुझे बहुत चढ़ गई है और नींद भी आ रही है। ठीक है तो तुम जाकर सो जाओ। ओके मुझे पानी में धक्का मत देना। Hey, केली कहाँ है? वो बीच पर वॉक करने गई है। थैंक यू। तो कैसी है तुम्हारी यास्मीन? वो सो रही है, कल तक ठीक हो जाएगी। ठीक है हंसो मत। So वो बस कोशिश कर रही थी। वो क्या है कि वो तुम लोगों से मिलकर के थोड़ी नर्वस हो गई। मतलब थोड़ा अजीब है। वैसे अजीब तो है। देखो जो हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। मुझे उसे बता देना चाहिए था पर मैंने सोचा ना बताना आसान होगा। हाँ देखो ना अब तुम्हारे साथ क्या हो गया हूँ। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? जरूर। तुम और केली आज बोर्ड के बारे में क्या बात कर रहे थे? अगर मैंने बताया तो वो मेरी जान ले लेगी। बता भी दो। उसका भाई डूब गया था जब वो 10 साल की थी। उसे तैरना नहीं आता था तो उसने वही किया जो उसे ठीक लगा और वो मदद के लिए भागी। लेकिन जब तक वो वापस आई उसका भाई मर चुका था। ओ ये तो बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन यहाँ देखो यहाँ हर तरफ पानी ही पानी है। अब उसे तैरना आता है, उसके बाद उसने तैरना सीख लिया पर इसका मतलब ये नहीं कि उसे पसंद है। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे कभी पानी में देखा है। तुमने डेट सेट की? कैसी डेट? शादी के लिए? ओह अभी तक तो नहीं। लेकिन हाँ यास्मीन चाहती है कि ठंड के बाद हम लोग डेट पर जाएं। अच्छा और तुम क्या चाहते हो? सच कहूँ तो ओ मुझे नहीं लगता कि मैं तैयार हूँ। गुड तो शायद तुम्हें ये उसे बताना चाहिए मुझे नहीं। आई एम सॉरी एक्सक्यूज मी। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे शायद केली सही कह रही थी, शायद हमारा यहाँ आना बुरा आइडिया था। आई एम सॉरी। रुको तुम्हें लगता है कि आसान होगा है ना?
मुझे लगा था। पर ये आसान नहीं है, तुम्हें पता है ना? हाँ पता है। गुड मॉर्निंग। पिछली रात मैं तुम्हारे रूम में आई थी पर तुम रूम में नहीं थी। ओ, हम शहर गए थे कुछ सामान खरीदने। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो जो मैं तुम्हारी कहानी पर यकीन करूं? मैं अपना फोन होटल में ही भूल गई। तुम और तुम्हारा वो फोन। तुम्हें कैसा लग रहा है यास्मीन? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, थैंक यू। वैसे मैं पिछली रात के लिए माफी चाहती हूँ, मेरा वो मतलब नहीं था कि उसे भूल जाओ। मुझे लगता है कि हमने पिछली रात बहुत मजे किए। वो देख रही हो उस तरफ? हम वहीं पर जा रहे हैं। वो एक सुनसान आर्मी बेस है। तुम मजाक कर रहे हो ना एलेक्स? नहीं, वो बहुत बढ़िया जगह है। असल में एक पुरानी सबमरीन टनल है। वो क्या है? वो मामूला है। वो वहाँ पर एक सुनसान पुरानी जेल। हम वहाँ भी जाने वाले हैं क्या? नहीं, हम लोग वहाँ इस बोट के साथ नहीं जा सकते। के दशक में जब ये जगह युगोस्लाविया का हिस्सा थी तब इसे बनाया गया था। अब ये बस एक टूरिस्ट प्लेस है। हम वहाँ अंदर नहीं जाने वाले हैं ना? नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते। आधे मील तक पूरा अंधेरा ही अंधेरा है और वो बिल्कुल ही सेफ नहीं है। चूहों से भरा हुआ है। और इस जगह का क्या, क्या ये महफूज है? हमें कम से कम तुम खुद ही पता कर सकती हो लूसी।
माय गॉड, मुझे किसी ने पकड़ा। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? शायद कोई मछली वगैरह थी। नहीं, मछली इंसानों को पकड़ती नहीं है। शायद तुम्हें पानी से बाहर निकलना चाहिए। डर गई ना? तुम बदमाश कहीं के। अगर मैंने तुम्हें डराया तो मुझे माफ करना लेडीज, मैं हूँ बॉबन, पर प्यार से तुम लोग मुझे बॉब कह सकती हो, जैसे कि एक्टर बॉबी डिनेरो। मैं लूसी हूँ। हाय लूसी। कैली, नाइस टू मीट यू। कैली, हाय। तो तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मेरी बोट से, और जब तुम्हें यहाँ देखा तो सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दूँ। और तुमने सरप्राइज दे दिया। तुम पागल हो बॉबन, क्या तुम शाम को हमारे साथ ड्रिंक करना चाहोगे? हाँ, खुशी से। तो चलो बाद में मिलता हूँ, पहले जरा लंच का बंदोबस्त हो जाए। अब मैं चला नीचे पानी में अपना शिकार ढूंढूं। वो कौन था? वो यास्मीन का एक दोस्त है। वो बहुत ही मजाकिया है, मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ। मुझे लगता है कि आज मुझे ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। ये एक अच्छा आइडिया है। हाँ, वैसे आज तुम जहाँ ले गए हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो अब आगे क्या है एलेक्स? बहुत चीजें हैं। ओ, अच्छा। हाँ, पर हमें दोबारा बोट से ही वहाँ जाना होगा, अगर तुम्हें कोई एतराज न हो के लिए। हाँ जरूर, पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुमने इसे बता दिया ना? देखो, उसने पूछा, आई एम सॉरी, पर ये एलेक्स है। हाँ, और मुझे लगा कि उसे पता होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे वो कौन सी जगह थी जो हम बोट से देखने वाले थे? वो आइलैंड, वो क्या कहते हैं उसे? ओ, मामूला। या हाँ, पर वहाँ टूरिस्ट नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि वो... लेडीज हाय, यास्मीन ने मुझे 6 बजे बुलाया था तो मैं आ गया, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया? हाँ, तो क्या ड्रिंक लेंगे? मेरे लिए कोक। ठीक है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। ठीक है एलेक्स, क्या लोगे तुम, बोलो। मैं ठीक हूँ। इसका भी मूड खराब है, चलो देखते हैं क्या है। ठीक है, लेकिन तुम उसके सामने इतने अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हो? नहीं, मैं अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, बस मुझे उसकी ये बकबक पसंद नहीं आती। ओह, अच्छा, ठीक कहा। बेबी। हाय बेबी। हेलो हसीना। तो लेडीज, आप लोग मजे तो कर रही हैं ना? हाँ, ग्रेट। हाँ, समय अच्छा बीत रहा है। हाँ। तो फिर कल का क्या प्लान है एलेक्स? वैसे हम उस आइलैंड के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम है मामूला, है ना लूसी? मामूला। अरे वो तो बहुत बढ़िया जगह है। हाँ बिल्कुल, अल्कट्राज की तरह, हमें वहाँ जाना चाहिए। वो हम? हाँ, हम पांचों को वहाँ जाना चाहिए, क्यों नहीं, मजा आएगा। कम से कम कुछ तो अलग होगा। कम ऑन, क्या तुम इन प्यारी लेडीज को वो खूबसूरत जगह नहीं दिखाना चाहोगे? पर तुमने कहा था हम वहाँ नहीं जा सकते। मैंने कहा ना, वहाँ बस पुराने पत्थर हैं, देखने लायक कुछ नहीं है। वो बहुत खतरनाक जगह है, चारों तरफ सांप ही सांप है। एलेक्स एलेक्स एलेक्स, तुम क्यों लड़कियों को डरा रहे हो? इसकी बात छोड़ो, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा, ये तो फट्टू है। ठीक है, हम लोग वहाँ तुम्हारी बोट में जाएंगे, क्योंकि मेरी बोट में वहाँ तक जाना मुमकिन नहीं है। जैसा आपका आदेश कैप्टन। तो ये जाम मामूला के नाम। गाइस, ये बहुत ही अजीब बात है कि वो जगह यहाँ मैप पर दिखाई नहीं दे रही है, जैसे वो नक्शे पर है ही नहीं। असली जगह नक्शे में नहीं बताते। वहां न जाओ तो अच्छा है, वो आइलैंड खून से रंगा हुआ है। उसे किले के तौर पर बनाया गया, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने उसका इस्तेमाल किया। उस वीरान जगह को उन लोगों ने अपने कब्जे में लिया
और उसे कंसंट्रेशन कैंप में तब्दील कर दिया। उसकी दीवारों के पीछे उन लोगों ने आदमियों की, महिलाओं की और बच्चों की हत्याएं की, लेकिन वो हत्याएं वहीं खत्म नहीं हुई। वो जगह आज भी खून मांगती है। उस जगह से दूर ही रहो, वो महफूज नहीं है। और तुम दोनों लोग इस बात का खास ख्याल रखना। उस सीला ने मेरे जहाज से 6 लोगों को मुझसे छीन लिया, और वो मेरे सबसे मजबूत लोग थे, भरोसेमंद। सीला ने उन्हें चट्टान के ऊपर लटका दिया, और वहां उसकी गुफा ने उन सबको कच्चा निगल लिया। वो चिल्लाते रहे, मेरी तरफ अपनी बाहें फैलाए, और फिर उन सब ने दम तोड़ दिया। मैंने वहां बहुत सी बुरी चीजें देखी हैं, भयावह, लेकिन समुंदर में भटकते हुए इस हादसे ने मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया। मामूला बहुत ही भयानक जगह है, उसे भूल जाओ, आसपास और भी अच्छी जगहें घूमने के लिए। अब बंद भी करो अपनी बेकार सी कहानी। तुम सबकी भलाई के लिए कह रहा हूं। वैसे ही आदमी कौन था? कोई नहीं, मैं उससे बस कल ही मिला था। इसने अपना नाम नीको बताया, या ऐसा ही कुछ। वो कुछ दिनों से यहीं पे घूम रहा है। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने इसकी बेटी को देखा। वो बोका बे में उसके दोस्त के साथ कहीं गई थी, और तब से वो कहीं नजर नहीं आई है। देखो, ये देखो, वो इसके बारे में बोल रहा था। ओ, उम्मीद करती हूँ कि वो ठीक होगी। मुझे तो लगता है वो कहीं एंजॉय कर रही होगी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं जिससे मैं बोर्ड को बांध सकूं, तो हमें तैर के जाना होगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? हे, तुमने कहा था कि तुम्हें यहाँ आना है, तो हम लोग आ गए। एलेक्स, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, अपना सारा सामान इसमें डाल दो। वैसे कोई नंगे पैर आइलैंड पर चल नहीं पाएगा। कम ऑन। सच में? फोन, पिक्चर्स? ऐसे एक एक करके आ जाओ। कम ऑन केली, चलो। कम ऑन लेडीज, मामूला में रोमांच ही रोमांच है। चलो। मैं नहीं आ सकती, I'm sorry, पर मुझे, मैं नहीं आ सकती। वो थोड़ा नजदीक खींचो तो ये कूद कर आ जाएगी, ठीक है? ठीक है, हाथ दो अपना, लाओ, आ जाओ। पकड़ लिया।
लगता तुम्हें पानी पसंद नहीं है। हाँ ऐसा ही कुछ है। देखो ये जगह इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ ठीक ठाक ही है। तो उस रात तुम और लूसी क्या उसने तुमसे कुछ कहा क्या? सब कुछ ठीक है। हमने पी रखी थी और ये बेवकूफी हो गई और मैं कुछ नहीं जानता। यकीन नहीं होता। तुम्हें पता है मैं कुछ नहीं जानती थी। मैं सिर्फ ये देख रही थी कि तुम दोनों में से कौन बोलेगा। क्या कहा तुमने? तुम दोनों पागल हो जानते हो ना। तुम्हारी मंगेतर दूसरे रूम में सो रही थी एलेक्स। तुम दोनों सच में बेवकूफ हो। क्या हुआ? सिग्नल ही नहीं है यहाँ। हम एक आइलैंड पर हैं जो समुद्र के बीचों बीच में है। यहाँ सिग्नल कैसे होगा? और तुम्हें तो फोटोज लेने के लिए फोन चाहिए था ना? वो मैंने झूठ बोला था है ना लूसी? हे बॉब। हे। तो क्या कोई दिलचस्प कहानियाँ हैं इस आइलैंड के बारे में? ऐसा कुछ जो टूरिस्ट बुक्स में ना लिखी गई हूँ। मैं इस जगह के बारे में आर्टिकल लिख रही हूँ। तो राइटर हो क्या? हाँ। ये तो अच्छी बात है। देखो ये जगह 19वीं सदी में बनाई गई थी और यहाँ पर दो युद्ध हुए हैं लेकिन ये अब भी खड़ा है। ओ ये अब भी खड़ा है। कम ऑन कैली। ओ ये अब भी खड़ा है। और उसके बाद यहाँ पे लोगों ने आना बंद कर दिया तो तब से ये जगह वीरानी है। क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई क्या? मुझे नहीं पता। एलेक्स से जाकर पूछ लो ना। वाओ। हाँ? ये बहुत खूबसूरत है। याद है उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि टनल में मैंने किसी को देखा था? हाँ, देखो वो वही आदमी है। देखो वो आखिर यहाँ कर क्या रहा है? वो तो यार्ड की तरफ जा रहा है। चलो आओ। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हें थोड़ा रोमांच चाहिए था ना। तुम सही जगह पर हो। चलो आ जाओ चलते हैं। कम नहीं क्या पता। आ,
वो चला गया। ठीक है, वो चला गया। एलेक्स, मुझे बस घर जाना है। हाँ हाँ जरूर। हमें यहाँ से निकलना होगा, बस यहाँ से चलो अभी। कैली, तुम्हारे फोन में फ्लैशलाइट है ना? बोलो। हाँ है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस कुएं के पास जाओ। क्या? और उसके अंदर की फोटोज लो। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम पागल हो बॉब। मैं शहर जाकर पुलिस को बुलाऊंगी। हाँ मुझे पता है, इसलिए तो चाहता हूँ कि तुम वहाँ की कुछ फोटोज लो ताकि पुलिस हमारी बात पे यकीन करे। ओ कम ऑन कैली, मैं अभी आती हूँ। आजा आजा, तुम लूसी के साथ यही रुको, ठीक है? ओके। अंधेरा ज्यादा है क्या? चलो कैली, अब यहां से निकलते हैं। मेरा दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर है, वो सब देख लेगा। सच में? तुम क्या कहना चाहते हो? क्योंकि तुम एक धोखेबाज हो इसलिए। गाइस, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम दोनों को ये देखना चाहिए। चलो 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 यहाँ से, चलो मेरा फोन। किसी ने बाहर गोली चलाई है, चलो यहाँ से, जल्दी चलो यहाँ से, चलो आ जाओ। बोट तो बेकार हो गए, उसने बोट पर गोली चलाई है। यहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। क्या दूसरा रास्ता? हम एक आइलैंड पर है, सोचेंगे तभी तो मिलेगा। हम यहाँ तुम्हारे कहने पर आए थे, तुम्हें बताना चाहिए कि यहाँ से निकलेंगे कैसे। रबर बोट पे आने का आइडिया तुमने दिया था क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी याद पे खरोंच तक आए। बंद करो और अपना मुंह बंद रखो। चुप रहो। ओ नहीं 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 नहीं, हिलो मत। हमें बस यहाँ से जाना है, हम बस यहाँ से जाना चाहते हैं। कुछ मत करो तुम। ओह माय गॉड, ओह गॉड, चलो यहाँ से भागो। Yeah.
कुमार, हमें चलते ही रहना होगा। हमें बाकियों को ढूंढना होगा और उस लड़की की मदद करनी होगी। कौन सी लड़की? वही लड़की जो कुएं में है। कैली, वहाँ कोई लड़की नहीं है, ये बस तुम्हारा वहम है। क्या? किसी तरह इस जगह से निकलना होगा, इस आइलैंड से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मैं सबको ढूंढ नहीं लेती, सबको। ये लो, ये लो, और मेरे पीछे आओ। कहाँ? यास्मीन और बाकियों को ढूंढने और उस लड़की की मदद करने, चलो मेरे। थैंक यू। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। कैली कहाँ है? मुझे नहीं पता, वो उस वक्त एलेक्स के साथ थी। बॉब, हमें कैसे भी करके उन्हें ढूंढना होगा। हाँ हाँ, ढूंढेंगे ना, शांत हो जाओ, चलो इधर से चलते। एलेक्स, एलेक्स धीरे चलो, तुम मुझे डरा रहे हो। एलेक्स, क्या तुम ये आवाज सुन रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे कोई गाना गा रहा है। क्या? मुझे कोई गाना सुनाई नहीं दे रहा है। हम यहाँ खो गए हैं, हमें बाकियों को ढूंढना है, चलो जल्दी। शायद ये वही लड़की है जिसे तुमने कुएं में देखा था। क्या अब तुम्हें मुझ पर भरोसा हो रहा है? ये वही होनी चाहिए, आओ इस तरफ।
एलेक्स, 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 ये मजाक नहीं है एलेक्स, ये मजाक का वक्त नहीं है एलेक्स। एलेक्स, क्या ये तुम हो? एलेक्स, शुक्र है। ये मजाक नहीं है, वो लड़की अंदर है, तुम्हें मुझे यकीन है। तुमने उसे देखा? हाँ, मेरी मदद करो, मुझे यकीन है वही अंदर है। देखो, तुम खुद ही देख लो उसे। हेलो, हेलो, बाप रे, अरे बाप रे, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे, ठीक है? मैं वादा करती हूँ। देखो, अगर मैं कोशिश करूँ तो रेंकर उसके पास अंदर जा सकता हूँ। नहीं एलेक्स, वो आवाज बड़ी मधुर आवाज है, क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दे रही है? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा एलेक्स, कोई आ रहा है। कम ऑन, हम इसे बचाने बाद में आएंगे। कम ऑन, तुम जाओ, उसे मेरी जरूरत है। एलेक्स, शायद वो चला गया क्योंकि तुमने उसे रूम से बाहर जाते हुए देखा है ना, पर वो हमें ही ढूंढ रहा है। क्या हम लोग तैर के शहर तक नहीं जा सकते हैं? नहीं, वो बहुत दूर है। देखो, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अब और कौन सा रास्ता? हम एक बेकार से आइलैंड में फंस गए हैं बोबन। चलो मेरे साथ। कहाँ? बस चलो। कहाँ चलना? कम ऑन एलेक्स, एलेक्स, हमें जाना होगा। कम ऑन, दूर हटो। एलेक्स, कम ऑन, उसके लिए हम बाद में आएंगे। कम ऑन, मैंने कहा ना, दूर हटो मुझसे, मुझे बचाना है उसे। तुम पागल हो गए हो, तुम पागल हो गए हो। मैं आ गया हूं। हम यहां वापस क्यों आए हैं? यह आदमी साइलेंट में रह रहा है तो इसे कुछ तो ऐसा पता है वापस जाने के बारे में जो हम लोग नहीं जानते हैं। तुम दोनों वहां जाकर देखो। कम ऑन। ये सभी लोग गुमशुदा है, इसने इन्हें मार दिया। ओह माय गॉड,
ये वही है, ये तो वही आदमी है, यही हमारे पीछे पड़ा है। दिखाओ दिखाओ। और ये वो आदमी है जो बार में मिला था। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? सुनो सुनो, मुझे ये मिला, मुझे लगता है ये किसी तरह का कोई कोई आ रहा है। डेली, डरो नहीं, हम हैं। एलेक्स कहाँ है? हमें वो लड़की मिल गई है। कौन सी लड़की? वही वही जो कुएं में थी। एलेक्स ने मेरी बात नहीं मानी और वो वहीं रुक गया। कहाँ रुक गया? वहां नीचे। चलो इस तरफ से चलते हैं। यास्मीन, भागो! मोमन, कमान, कमान, चलो यहां से। I'm so sorry. ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ। बॉब, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम इस जगह से कैसे निकले? ये क्या है? शायद ये इस जगह का नक्शा है। ये बाहर जाने का रास्ता है। ऐसा कहते हैं कि मिलिट्री ने जमीन के नीचे एक सुरंग बनाई थी इस आइलैंड से बाहर जाने के लिए, ताकि युद्ध के दौरान हथियार आराम से अंदर और बाहर ले जा सके। ओके, 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 पर पहले हम एलेक्स और उस लड़की को ढूंढ लेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। तुम दोनों जाकर कोई हथियार ढूंढो जिसके इस्तेमाल से हम इस दरवाजे से बाहर जा सकें। इसे मारना बहुत जरूरी है। वो रूम जिसमें हम थे ना, जहां हमें वो नक्शा मिला, वहां कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। चोट की वजह से मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं यहीं इंतजार करूंगा। तुम दोनों जाओ जाओ, देर मत करो, जाओ तुम लोग जाओ। रुको कैली, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बात सुनो लूसी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? मैं तुमसे वादा करती हूँ। कम ऑन, चलकर कुछ ढूंढते हैं ताकि मैं उसे खत्म कर सकूं। ओके, ठीक है। बाप रे, अरे बाप रे,
ये, अरे बाप रे, क्या? जरा देखो इसे, ये वही है। कौन? ये वही लड़की है जिसकी फोटो बॉब ने हमें दिखाई थी। ये उस आदमी की बेटी है। ओ माय गॉड, तुम्हें लगता है कि वो? मुझे लगता है ये सब मर चुके हैं, सब मर चुके हैं। चलो कम ऑन। बॉब कहाँ जा रहा है? ये आखिर कर क्या रहा है? मुझे नहीं पता। बॉबी, बॉबी, बॉब, हाथ पकड़ कर दूर रखो। मुझे इसके लिए माफ करना बाप। क्या कर रही हो तुम? तुम बिल्कुल एलेक्स की तरह बर्ताव कर रहे थे। मैं यहाँ आया कैसे? मैं तो वहां खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुमने मुझे मारा। मुझे पता है, आई एम सॉरी, पर कम ऑन, हम यहाँ से निकलना होगा। कम ऑन। उस तरफ। एलेक्स, एलेक्स, तुम कहाँ हो? तुम्हें हो क्या गया है? ये वही है। क्या तुम ठीक हो? हमारा दोस्त कहाँ है? मैंने उसे यहीं छोड़ा था। बॉब, उसे दूर हटो, दूर हटो बॉब।
चलो चलो चलो। आखिर वो क्या चीज थी? क्या तुम ठीक हो? ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। सब उस गाने की वजह से हुआ। लग रहा था जैसे वो मुझे बुला रही हो। वो गाना एलेक्स ने भी सुना था। उसने मुझसे कहा था कि उसे गाना सुनाई दे रहा है। लगता है वो तुम्हें हिप्नोटाइज कर रही थी। तो ये तुम्हारे साथ क्यों नहीं हुआ? मुझे नहीं पता। ये वही दरवाजा है जो पानी के नीचे सुरंग की तरफ जाता है। चलो जल्दी 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 करो कैली।
चलो भागो, इधर यहां से चलो। शिट, कम ऑन, ये खुल नहीं रहा, ये लॉक है। निको, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? वो मर गए, वो सब मर गए। हम लोग कहाँ हैं? पुराने सब मरीन टनल में, मेरी बोट यहाँ पास में ही है, आओ मेरे साथ। मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें उस जल्लाद के साथ एक फोटो में देखा। मैं तुम्हें ये सब बाद में बताऊंगा, इस समय हमें यहाँ से निकलना होगा। बैठो। नहीं, इसके अंदर नहीं। यहीं रुकने का इरादा है क्या? हम करीब पहुंच चुके हैं, पर मैं बहुत थक गया हूं। मैंने बताया था जो भी इस आइलैंड पर कदम रखता है उसके साथ बहुत बुरी घटना घटती है। हमें लगा तुम बस हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। मुझे पता था इस आइलैंड में जरूर कुछ गड़बड़ है, इसके अंधेरे में बहुत राज छुपे हुए हैं। मुझे लगता है इस शहर के लोगों को वो राज पता है। उस कुएं में जो जीव है वो क्या है? सिरेनम स्कॉपले। मैंने ये पहले भी सुना है, इसका मतलब क्या है? ये ग्रीक शब्द है, सिरेनम स्कॉपले। तीन छोटे आइलैंड थे जहां लोगों का मानना था कि जल परियां रहती हैं, जहां से कोई बचकर नहीं आ पाता था। ऐसा कहा जाता था कि ये तीन आइलैंड्स कापरी के पास कहीं थे, पर नक्शा गलत था। उनमें से एक आइलैंड दरअसल मामूला है। ये पागलपन है, ऐसी चीजें तो किताबों और कहानियों में लिखी जाती हैं। हमें 30 साल पहले ये पता चला और ये बिल्कुल सच है। हम कौन? मैं और मेरे आदमी, हम 7 लोग थे। हम उस डाइविंग क्रू का हिस्सा थे जिन्होंने पानी के नीचे वो सुरंग बनाई। उस दौरान ही वो हमें मिली, समुंदर के अंदर वो एक भूली बिसरी चीज। वो जिंदा थी, उसने मेरे आदमियों को एक एक करके बेरहमी से मार डाला, 6 आदमियों को। मैं अकेला था जो जिंदा बच पाया उससे। जिन्होंने मुझे बचाया था उन्होंने मुझे ये बात बताई, और मुझे छोड़ने से पहले उन्होंने वो जगह बंद कर दी, पूरी जगह को कवर कर दिया, जैसे कि वहां कुछ था ही नहीं, जैसे हम कुछ नहीं थे। मुझे लगा उस दिन मैंने एक दोस्त खो दिया, पर मैं गलत था। पर जो आदमी वहां पर था वो तुम्हारा दोस्त था क्या? हाँ, मेरा सबसे खास। मुझे लगा वो मर चुका है, उसने मार दिया उसे।
पर उसने उसे जिंदा रखा, उससे बहुत काम लिया। लोग कहते हैं कि जलपरियां अक्सर आदमियों को छोड़ दिया करती हैं, और कभी कभी, बस कभी कभी, वो उसे प्यार करने लगती हैं। वो आदमी उसे बचाने के लिए कुछ भी करता है, उसे रहस्य बनाए रखता है। और तुम्हें ये सब पता था, वो भी इतने सालों से? मुझे यकीन नहीं था इन बातों में, लेकिन जब मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, तब मैंने उसे जब उस टनल में देखा तो मुझे यकीन हुआ। और फिर मैं यहां लौट आया और उसका इंतजार करने लगा। उस आइलैंड में वो उसके साथ रहता होगा और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता होगा। एक वक्त हम दोनों भाइयों की तरह रहा करते थे, लेकिन आज वो एक आदमखोर है जिसे मारना ही होगा। किसी आदमी को इतने गंदे जीव से कैसे प्यार हो सकता है? तुम्हारे लिए यकीन करना मुश्किल है, जानता हूं, पर एक बार अगर वो तुम्हारे दिमाग में बस जाए तो फिर उसका एहसास कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। मुझे ये गाना क्यों नहीं सुनाई देता? तुम बहुत खुशनसीब हो क्योंकि तुम एक लड़की हो। वो यहां आ चुकी है। ये लो, नजर आए तो शूट कर देना। बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो इस बोट के नीचे है। वो कहाँ चली गई? कहाँ चली गई वो? कहाँ चली गई वो? ये क्या? साथ खेल रही है। ध्यान देना, वो यही है। ध्यान देना, वो मुझे दो। पकड़ में आ गई। रस्सी ले लो, पानी में उतर जाओ और फिर हमें किनारे तक ले चलो। जाओ जल्दी। तुम ये कर सकते हो केली। जाओ जल्दी। नहीं, नहीं।
यहाँ मैंने पकड़ लिया है। कम ऑन, क्या कोई है? क्या कोई मदद करेगा प्लीज? कोई है? वो भला नहीं कराओ। मार दो से, मार डालो। नीको, नीको नहीं, नीको नहीं, नहीं, कम ऑन। रुक जाओ नीको, नीको नहीं, मेरी बात सुनो प्लीज, प्लीज रुक जाओ मेरी बात सुनो नीको, मेरी बात सुनो, स्टॉप इट, कम ऑन नीको। भालो दो, भालो दो। इसे मारना होगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारी इस नफरत भरी जिंदगी से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दूंगा। मेरे ख्याल से शायद तुम्हें ये वापस चाहिए होगा। थैंक यू। Thank you.
अब सायरन के पास उसके गाने के अलावा एक और खतरनाक हथियार है, वो है उसकी खामोशी। वैसे ये मुमकिन तो नहीं है, पर हो सकता है कि इसके गाने से कभी कोई बचकर निकल गया हो, पर इसके खामोशी से बच निकलना मुश्किल है। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? वो आ रही है तुम्हें बचाने के लिए। इसकी बहनें बदला लेने के लिए यहां आ रही है। मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूं। इसकी तरह गुलाम बनकर जीना मौत से कहीं ज्यादा बदतर है। हो सकता है हम मारे जाएं, पर उससे पहले इन सब दरिंदों को मार डालेंगे, एक एक करके। शुरुआत तुमसे होगी। This movie is encoded by Dr. Star. Thank you.